तो सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो गाइस यार, आप सभी को पता है इस दुनिया को और इस जगत को हंसाने वाला आज हमको सभी को रुला के चला गया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आशीष भैया, आशीष सैनी, यानी कि कालू बेटी के बारे में, जो कि यार पूरी दुनिया को हंसा कर आज सभी की आंखें गीली करके इसको दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो क्या कारण था ऐसा? कल से कोई अलग अलग विचार लगा रहा है, कोई क्या असली वजह पता नहीं चल पा रही थी कि असली वजह क्या थी उनकी छोड़ के जाने की। तो अब हमारे एक भैया है रामलाल जी और नवरतन जी, जिनको आप सभी जानते होंगे, वो जो कि जयपुर साइड के हैं, और कल उन्होंने उनके घर वालों से जाकर कुछ बातचीत की, उनको सांत्वना दी कि और प्रभु से प्रार्थना की कि इनको शक्ति प्रदान करें। बाकी अगर आप समझ सकते हो कि किसी घर में ऐसा हो जाता है तो उस घर में क्या बीतती है। तो उन्होंने भैया जाकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सब ठीक हो जाएगा, और मतलब कि आप भगवान आपको शक्ति दे, थोड़ी ऐसे प्रार्थना की। उनसे पूछा कि असली कारण क्या है भैया का छोड़ के जाने का, यानी कि कालू बेटी का असली कारण उन्होंने बताया, जो कि उनके भैया है कालू बेटी के भाई जितेंद्र जी, जिनको आप जानते होंगे। जो जितेंद्र जी भैया ने बताया कि यार भाइयों, आप ऐसी अफवाह मत उड़ाओ किसी भी तरह की, ना उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई है, ना ही उनकी मौत जहर खाने से या फिर किसी अन्य तरीके से। उनकी मौत नॉर्मल जैसे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुई है, जैसे आप समझ सकते हो छोटे जैसे हार्ट प्रॉब्लम होती है, उससे दिल के कारण मतलब हार्ट की वजह से उनकी मौत हुई है, जो नॉर्मल मौत होती है वैसे हुई है। और आप ऐसा कोई गलत तर्क मत लगाओ किसी तरह से, कुछ लोग कुछ ज़्यादा उड़ा रहे हैं कि लड़की के चक्कर में या फिर कहीं एक्सीडेंट से कुछ क्या। तो गाइज यार, मेरा तो जितेंद्र भैया ने बोला है कि यार भाइयों, आप ऐसा मत करो, उनकी बस नॉर्मल तरीके से मौत हुई है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से हुई है। तो गाइज यार, इतना ही बताना था। बाकी यार गाइज, भाई बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे, आप समझ सकते हो उनका दर्द, और अपनी फैमिली में हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो वो एक बहुत बड़े सितारे थे, जो कि कॉमेडी जगत के बहुत बड़े सितारे, जिनको आज भगवान ने हम सभी से छीन लिया है। तो गाइज यार, बहुत दुख होता है, और भाई को कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा सितारा था जो हमेशा के लिए कहीं खो गया है, तो उसके लिए बहुत दुख होता है, और हमेशा याद करेंगे आशीष भैया को और कालू बेटी, जो कॉमेडी लेवल राजस्थान में है, पूरे इंडिया में, इंडिया तक उनका कॉमेडी देखी जाती थी, और वैसी कॉमेडी मेरे को लगता है अब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेन जो कालू लादू की जोड़ी है वो टूट गई है, और कालू बेटी की कॉमेडी सबसे खतरनाक थी यार। गाइस यार, बहुत याद आती है भाई की। तो बस इतना ही बताना था, बाकी और ऐसी कोई गलत अफवाह ना उड़ाए, क्योंकि बहुत दुख होता है, और भाई को शायद कोई नहीं भूल पाएगा, कोई दिल से नहीं निकाल पाएगा, मैं भी नहीं निकाल पाऊँगा। तो कालू बेटी भाई, मिस यू आशीष भैया, और आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहोगे। यार बस इतना ही बताना था, तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और मिस यू भाई आशीष भैया। आशीष भैया को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और भाई को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। मिस यू भाई कालू बेटी, आशीष भैया मिस यू।